मेरा सवाल पल्लवी जी से, जैसे एज अ डॉक्टर हम लोगों के पास उस समय ये चैलेंज होता था कि हम अपना प्रोफेशन तो निभा रहे हैं लेकिन वापस जाके मैं हम घर में अपने बच्चों से कैसे मिलेंगे। तो जब आपने उस लाइफ को जिया तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब जैसे बीइंग अ डॉक्टर मुझे होता था अगर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो वापस आके मैं अपने छोटे बच्चे से कैसे मिलूँगी, मतलब मैं कहीं उसको तो इन्फेक्शन ना दे दूँ, एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था दिमाग में हमेशा, एक टेंशन और एक वो। तो आपने उस कैरेक्टर को जब जिया तो आपको कैसा फील हुआ? मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खुद को कितना लकी मानती हूँ और मुझ में इतनी गर्व की भावना है कि मैंने एक ऐसे डॉक्टर का किरदार निभाया है जिन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स फास्टेस्ट टाइम में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके वैक्सीन प्रोग्राम में अपना 100% दिया है। और जैसे डॉक्टर प्रिया अब्राहम जैसे डॉक्टर्स हमारे अगर देश में है तो ये भारत देश कभी पीछे नहीं रह सकता। उनके बेटे की शादी होने वाली थी और कोविड का वक्त आ गया था तो सारे आपको पता है सब कुछ बंद हो चुका था। उनकी पूरी फैमिली वेल्लोर में थी, वो अकेले पूना में थी और बलराम भार्गव जिनका किरदार नाना निभा रहे हैं इस फिल्म में, इम्पॉसिबल डेडलाइंस दे दी थी उन्हें क्योंकि बहुत कम समय में वैक्सीन बनानी थी और उनका खासा परिचय भी नहीं हुआ था सारे लोगों के साथ क्योंकि वो बहुत नई थी वहाँ पे और पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रही थी, जैसे कि विवेक ने अभी बताया। डॉक्टर काकरे हमारे साथ मौजूद है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनका भी एक सवाल। जी पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आई हैव लिव्ड ऑल दिस एक्सपीरियंस ऑफ ICMR एंड NIV। मैं जिन साइंटिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं जिनका रोल आपने निभाया है मैंने उनके साथ काम किया है और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपने उसको कैसे एनेक्ट किया होगा। उसके बाद देयर इज अ डायलॉग इन द मूवी विच यू सेड इंडिया कैन डू इट एंड आई कैन से नाना कैन ओनली कैन डू इट एंड ही हैज डन इट। ये सही है। हमें बहुत लुत्फ आ रहा है पल्लवी जी आपसे, विवेक जी, नाना जी आपसे बात करने में, लेकिन वक्त इतनी हमें मोहलत दे पा रहा है। क्यों करते हो यार, एक तो बुलाते हो इस तरीके की फिल्में बनाते रहे, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे, देशभक्ति अपनी इसी तरीके से दिखाते रहे। 28 सितंबर वो तारीख है जब ये फिल्म रिलीज होने जा रही है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को इस फिल्म के लिए। और क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है इस वक्त, गणपति बप्पा के आशीर्वाद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म जो है वो दर्शकों को खूब पसंद आए। गणेश जी के दर्शन, हाँ, और फिल्म भी अनंत चतुर्दशी के ही दिन रिलीज हो रही है। इसीलिए चलते चलते नाना जी, अगर कोई गणपति बप्पा के लिए कोई भजन आपकी तरफ से हो जाए तो। नहीं, क्या है, इनको अगर भगाने का अगर कोई जरिया ढूंढ रही है आप कि मैं गाना शुरू करो ये सब भाग जाए तो कुछ नहीं, गणपति बप्पा मोरिया। जोर से एक बार, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।